लंबे समय से चली आ रही पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बीते 6 सालों से सिर्फ शब्दों और फाइल के कागजों में बन रहे पूर्णिया एयरपोर्ट को मूर्त रूप देने और सत्ता में बैठे मठाधीशों, मंत्रियों और अधिकारियों को जगाने के लिए एक बार फिर सीमांचल और मिथिला के लोगों ने कमर कस ली है। दरअसल अगले महीने 5 अक्टूबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले एयरपोर्ट की मांग और उसमें आ रही बाधा को दूर करने को लेकर पूरे शहर में प्रतिकार मार्च निकाला जाएगा, जिसमें 5000 से भी ज्यादा युवा और कोसी पूर्णिया के नागरिक हिस्सा लेंगे। सुनिए इसकी तैयारियों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन पूर्णिया इकाई के अध्यक्ष अविनाश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी 5 अक्टूबर को हम लोग पुनः एक प्रयास करेंगे 4-5 हजार लोगों के साथ एक प्रतिकार मार्च हमारे सत्ता सुख में मदांड जनप्रतिनिधि को जगाने, सरकार को जगाने, स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए निकालेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने बीते 1 सितंबर से 15 सितंबर तक शहर से लेकर गांव तक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें कुल 10,101 हस्ताक्षर कर लोगों ने इस मुहिम को अपना समर्थन दिया था। लोगों के इस हस्ताक्षर वाले दस्तावेज को पटना हाई कोर्ट, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली को भेजा गया था। करीब 6 सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट के अटके लटके भटके प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की पूर्णिया इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और पत्रकारों के सामने पूर्णिया एयरपोर्ट के रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों और सरकार के नकारेपन को उजागर कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन की तरफ से ऐलान किया गया कि आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जन समर्थन से प्रतिकार मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्णिया के लोग भाग लेंगे। इस प्रतिकार मार्च के दौरान पूर्णिया के शहरी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए लोग पूर्णिया समाहरणालय पहुंचेंगे और जिला अधिकारियों को विज्ञप्ति सौंपेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला, जमीन अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और कुछ किसानों के सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाने की वजह से अटका हुआ है। इसको लेकर जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन से पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या वो किसानों के हितों के खिलाफ हैं, तो इस पर छात्र संगठन ने साफ कर दिया कि वो किसानों के साथ हैं। सुनिए एमएसयू पूर्णिया इकाई के अध्यक्ष अविनाश कुमार मिश्र ने क्या कहा। 7 किसान हाईकोर्ट पहुंचते हैं कि हमको ढंग का मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपना जमीन नहीं लेंगे। उसके बाद सरकार कान में अपना जो है तेल डाल के सो जाती है भाई, अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट से बाहर आएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। भी हम देखी करके हम नहीं चल सकते, हम स्वयं किसान पुत्र हैं, शायद सामने बहुत सारे किसान पुत्र भी होंगे। तो हम लोगों ने एक हस्ताक्षर कैंपेन शुरू किया 15 सितंबर कि हम लोग घर घर जाएंगे, जहाँ भी पहुँच पाते हैं पूरे प्रमंडल में या अन्य जगह से, उसी सीमांचल में जहाँ भी दूसरे राज्य में भी रह रहे हैं वहाँ से भी लोगों ने हमें सिग्नेचर कैंपेन में मदद किया। 10,101 सिग्नेचर 15 सितंबर को हम लोग कलेक्ट कर पाए, उसको बाय डाक कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र दिए, उसकी प्रतिलिपि हमने 4 विभाग को दिया। उस प्रार्थना पत्र में हमने जिक्र किया माननीय न्यायालय से कि सरकार और किसान दोनों की लड़ाई है, इसमें आम जनमानस को नुकसान है, इसलिए महोदय आप स्वयं इस मामले को संज्ञान में लें और इसको आगे बढ़ाएं और सरकार से सवाल करें, सरकार अपने आप करके देख क्या परेशानी आ रही है, कहाँ दिक्कत है। इस पर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और बहुत सारे लोगों ने अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर तक उस में दिया है, जो 10,101 सिग्नेचर ग्रुप है। उसके बाद आज तक जमीन पर कोई आंदोलन नहीं हो पाया इस मामले को। आज मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी 5 अक्टूबर को हम लोग पुनः एक प्रयास करेंगे 4-5 हजार लोगों के साथ एक प्रतिकार मार्च हमारे सत्ता सुख में मदांड जनप्रतिनिधि को जगाने, सरकार को जगाने, स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए निकालेंगे।
यही मेरा कहना था इस पर। सुना आपने, इससे साफ हो गया कि ना तो पूर्णिया के लोग और ना ही आंदोलन करने वाले पूर्णिया के युवा किसानों के हितों के खिलाफ हैं। ये आंदोलन किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार और किसानों के बीच के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने और पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को शुरू कराने के लिए है। पूर्णिया एयरपोर्ट 21वीं सदी में पहले से पिछड़े बिहार के सीमांचल हिस्से की सबसे बड़ी जरूरत है और यही वजह है कि अब इस मुहिम में राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, समाज का बुद्धिजीवी, छात्र छात्राएं समेत हर पेशे से जुड़े लोग शामिल हैं और इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।